हाँ ऐसे कमेंट्री कर रहा हूँ। तो आज के गेम प्ले की बात करें, एंजॉय करो। तो यहाँ पे जैसे गन मिली तो हम लोग ने जो वो सिमेंट्री के साइड में जो बंदे आए कूदे थे उन्हें देख लिया था। तो अभी मैं और शिवम जाएंगे और उनको ख़त्म करके आएंगे। जैसे गन मिली तो यहाँ पे दो बंदे निकल के आए, एक बंदा मैंने देख लिया था। भाई इसने मेरा एम तो बिगाड़ा है, सही बताऊँ ना। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले केल से किया और क्या, फिर मैं यहाँ पे आ गया ताकि मेरे को गोलियाँ ना पड़े या फिर फिनिश ना हो सकूँ। तो तुमने वहाँ पे स्कारल से उस बंदे को ख़त्म कर दिया और मेरे को रिवाइव दिया। फिर मैं रिवाइव रिवाइव हुआ, लूट लाट के मैं आगे चला गया। आगे क्या, इसके अंदर ही चला गया हम लोग, कि शिवम को जो कुछ काम आ गया था। तो जैसे ही वापस आया हम लोग निकल गए अपना काम करने। यहाँ पर मैं जो इससे मेडिसिन मांग रहा था पर भिखारी दे नहीं रहा था। तो यहाँ पे मुश्किल से मुझे 5 बैंडेज मिली, मेरे बैंडेज और यहाँ पे कंपनसेटर और ये। तो मैं फिर जैसे हेल्थ लगाते हैं मेरे को फुटस्टेप आई, पर ये तो बॉट था। फिर गन मैन रिलोड करके मैं जैसे ही आगे जा रहा था मेरे को ना हल्की सी फुटस्टेप आई, जैसे कोई खाली चल रहा होता ना वैसी फुटस्टेप आई। तो मैं यहाँ पर लेट गया ताकि मेरे को पड़े उड़े ना, पर मैंने यहाँ वहाँ देख लिया। शिवम को भी कॉल दिया कि बंदे होंगे पर मुझे दिखे नहीं। फिर इस बिल्डिंग पे आते ही मुझे ऊपर एक बंदा दिखा और मैंने इजीली नॉक कर दिया। तो जैसे मैंने कॉल दे दी चलो रश कर दे, पर मेरे को एक रश करने का टाइम ही ना, एक बात का डर भी था कि भाई बीच में वाले बंदे ना उंगली ना करे बीच में। तो यहाँ पे मैं ऊपर चला गया। भाई यहाँ पे देखना इस बंदों के साथ ना गलत ही स्कैम हुआ है, बहुत गलत हुआ है इन लोगों से। यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा हेड दिखा ना, फिर M4 पे स्विच की, बैरल बहुत उछल रही थी। इसका एक हल्का सा मुंडी दिखा, हेडशॉट फिनिश, दोनों फिनिश यहाँ पे। शिवम यहाँ पे मेरे को बोल रहा था कि क्या ऊपर वाले मार दिए, मैंने बोला हाँ मार दिया। फिर मैं यहाँ पे जैसे जाता फुट स्टेप आई, अरे तो निकला बात। अरे यहाँ पर हम लोग शिवम जी कन्फ्यूज हुआ गए हैं कि कहाँ से क्या कर रहे हैं, कहाँ से किसको मतलब मैं मार रहा हूँ। इनको लूटा, एमओ में उठाई, फिर इस घर पे आ गए हम लोग रश करने। और भाई यहाँ पे जो किल उठे हैं ना, कसम से मज़ा आ गया मेरे को यहाँ पे किल उठा गया। भाई शिवम को एक जन दिखा, उसने नॉक किया पर मेरे को वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो मैं नीचे आ गया, मेरे को एक बंदा हल्का सा दिखा, मैंने हार्ट ADS करके रखा। वो जैसे ही आया फ्री फायर दिया और इस बंदे को, और इसका बंदा जो आते क्या नूब होता, कहाँ देखते रहते हैं भाई, भाई कहाँ देखते रहते हो। तो यहाँ पे जो मैं लूट रहा था तो शिवम को जो एक बंदा ऊपर से आता हुआ सुनाई दिया, उसने बोला ऊपर, उसने फायर दिया, मैंने भी रैंडम फायर किया ताकि उस पर साइड लग जाए। फिर ये बंदा ऊपर से आ गया। ओ भाई ये बंदा बहुत ढीठ था, इससे अपने बंदे को जो रिवाइव नहीं किया और ऊपर से हम लोग को मारने आ गया, क्या बात है। तो जो भी हो सबसे पहले अपने बंदे को उठाओ, फिर उसके बाद रश करना है जो करना। फिर यहाँ पे फ्लेयर मिल गई थी मेरे को, तो मैंने फ्लेयर चला दी। फ्लेयर चलाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा देर रुका, फिर मैं नीचे आ रहा था, मेरे को एक स्टेप आई, ये जो निकला बाट। अब देखना किल चोरी करने के लिए क्या आ गया है। और यहाँ पे एक एक किल के लिए शिवम तरस रहे, बोल रहे भाई एक तो किल दे दो। तो मैंने अब तक तो देखा प्लेन वन पास हो गया, अरे भाई ड्रॉप क्यों नहीं आया मेरा। तो मैं शिवम से डिस्कस कर ही रहा था बंदा का, सॉरी ड्रॉप का इसलिए पीछे के साइड गिरा है, वैसा है क्या। तो पीछे गया, शिवम ने आम उठा ली M24 छोड़ के, और मैंने M249 उठा ली थी कार्ड का। तो यहाँ पे एक ड्रॉप के पीछे आ रहे थे कि भाई ड्रॉप की लालच मरती नहीं है कभी। और यहाँ पे देखना भाई बंदा ड्रॉप के नीचे आ रहा था, बताता हूँ ये देख भाई, वो जब तक ले कुछ सोच समझ सकता ना तब तक ले उसका काम हो चुका था। तो अभी मैंने देखा ड्रॉप तो ऊपर लूट तो सकते नहीं है, तो मुझे लगा इसका बंदा होगा। इसका बंदा ने मेरे पे फायर भी किया ऊपर से, मेरे को लगा वो उसका बंदा, पर वो इसका बंदा था नहीं, ये कोई और ही पार्टी थी जो ड्रॉप के पीछे आई थी। तो उजी की आवाज़ चली थी उधर पीछे से, तो मेरे को लगा एक अंदाजा हुआ ब्रोकन वॉल के पास होगा, तो गया ना। और बंदा ब्रोकन वॉल के सामने ही था, TPP ले रहा था या फिर बेचारे का नेट कट गया था, दोनों में से एक चीज़ में।
तो यहाँ पे यूएस आ गए थे भाई, ये नीली डाशा जो थी ने जो इसका जिसको मैंने ड्रॉप के नीचे मारा ना उसका बंदा था, तो ये सबसे पहले उसको मारता है। मतलब धुआं भी निकला होगा, आप पीछे जाके देख सकते हैं जो क्रेट का धुआं था ना वही। तो मैंने सबसे पहले जो सामने जाकर देखा कि बंदा आ गया है क्या, फ्लैंक वैंक करके पर नहीं आया था पहले, तो सबने बोला चलो दूसरी साइड ही चलते हैं फ्लैंक करके मार सकते हैं। चलो यार किल मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सामने एक नेट पड़ा, अगर मैं वहाँ से जाता तो वह काम हो चुका था मेरा। जब मैं डिबी भी शिपी भी ले रहा था कि तभी वहाँ शेक के सामने से वो बंदा निकला। यहाँ पे सीएम को तो उसने धर लिया पर ना 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 हमें नहीं धर सकते, सॉरी अगर किसी की कॉपी हो गई तो। चलती रहती है वो, हम यूट्यूबर्स में चलती रहती है। तो एनीवेज तो इसको रिवाइव देने के बाद एक ड्रॉप के पास आया, ड्रॉप चाहिए नहीं था हम लोग को भी, कुछ भी सब कुछ था ही हम लोग के पास यार, दो दो बीस्ट गन थी हम लोग के पास और क्या चाहिए हम लोग को। तो गाड़ी इधर उधर भगा ही रहे थे, फिर हम लोग जो एक कंपाउंड में रुक गए, कंपाउंड में जो है वहाँ पे एक डासी आई। तो देखिए उस डासी का साथ क्या हुआ होगा, पहले कंपाउंड पहुँच लेते। ये डासी आई भाई, देखिए नेटवर्क का इशू भाई, इतना गोली मार दिया बंदा मरा नहीं ने। पर जो भी हो जैसे तैसे एक को नॉक करके मैंने बोला भगाओ यार चलो पुश करेंगे, तो सामने से जाने की हिम्मत हुई नहीं तो ऐसे पीछे चले यार। तो बंदा तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, M249 थी क्योंकि मेरे हाथ में। तो बस जैसे बाहर निकला सिर्फ अपने चोरी कर ली किल। अरे अभी मेरे नेट का इशू देख लीजिए, टेलीपोर्ट इशू। तो आखिरी का तो बंदे बच रहे थे, वो उन लोग का लोकेशन हम लोग को पता ही था, तो मतलब मैच जो है हम लोग के हाथ में था। क्या बस मैं पूरा मैच ख़त्म कर देता हूँ, बट ना ना बंदे की डेट है, इतनी आसान से मैच ख़त्म करने देंगे नहीं। इतना वो हुई रुक लो ना, हम मैं नॉक करके फिनिश कर उसको, नहीं क्या छोड़ दिया वो, भागा भागा पीछे भागा, ये भी थोड़ा कर दिया। और एक तो बंदा कहाँ है, पक्की से आएगा पक्की से, तो मैंने जो बगी फोड़ने के लास्ट में सर पेन कर दोनों टायर फोड़ दो, फिर जो आप स्किट करेंगे तो वो लोग ने जो बग्गी नहीं लेके वो लोग ने थोड़ा सा फ्लैंक करके हम लोग के पास आने की ट्राई की। अभी मेरे को बंदा दिखा है, मैंने मारा गेट था भाग गया। बोल रहा था कहाँ मार रहे हो, इसलिए लॉन्ग रेंज M249 नहीं चलती है भाई, M249 स्नाइपर की तरह भी यूज़ हो सकती है अगर इसमें 6x लग जाए तो। मतलब वो पुचक पुचक मारने वाला, कमेंट में गालियाँ मत देना। तो यहाँ पे जो लास्ट एक बंदा तो जोन से मारा और ये एक बंदा मेरे हाथ से चढ़ गया। तो कमेंट में बताना मेरा कमेंट्री अच्छी लगी या नहीं, मुझे ऐसे कमेंट्री करती रहनी चाहिए। राइटिंग वाले ठीक है, एनीवेज मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।